और मुस्लिम वोट को ना बिखरने देने की ममता की अपील पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से खास बातचीत की है टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता अभिषेक उपाध्याय। अब्बास साहब, यहाँ पर हमने देखा कि आपने सबको संबोधित किया यहाँ पर, और आप बार बार ममता बनर्जी का नाम ले रहे थे, कई बार आपने नाम लिया, तो आप हर अपनी रैली में उनका नाम क्यों लेते हैं? ममता बनर्जी को नहीं तो बांग्ला के मानुष को धोखा दिया है, उन्हीं तो बीजेपी को बांग्ला में लेके आया, अभी वो बोल रहे हैं बीजेपी को हटाना है। जो बंगाल में बीजेपी को लाए वही हटाएंगे, जो दूसरा ड्रामा कर रहे हैं समझ रहे आदमी को। जो ममता बनर्जी ने भी हाल ही में कहा कि सभी मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ और अपना वोट बंटवारा ना करो, उन्होंने अपील की, आपने सुना होगा वो अपील। उस अपील का मतलब यही है कि वोट बांट रहे हैं सब लोग, इकट्ठा हो जाओ। 30% इकट्ठा होकर क्या होगा? आप तो 70% को कभी नहीं बोल रहे तुम आ जाओ, 70% को आप बोल रहे तुम बीजेपी में चला जाओ, 70% हमारे पास रहे, यही तो इरादा है। बोलना चाहिए सब इकट्ठा हो जाओ, बाम कांग्रेस टीएमसी आईएसएफ सब इकट्ठा हो जाओ, बीजेपी को रुकना है, वो बहुत अच्छा होता है ना। क्यों बोला उन्होंने, आपको क्या लगता है ये उन्होंने जो कहा मुसलमान इकट्ठा हो जाओ क्यों बोला उन्होंने? इसमें भी ये डिवाइड कर दिया, तो बीजेपी को कोई ट्रॉफी देना है ना बोलने के लिए, तब बीजेपी तो जाके बोलेंगे देखो ममता खातून ने मुसलमान को एक होने के लिए बोल रहे तुम एक हो जाओ। जानबूझ के बोला ऐसा उन्होंने? थोड़ा साजिश है, ड्रामा कर रहे हैं। आपको बोल रही हैं कि कोबरा उन्होंने कहा कि कोबरा जैसे लोगों को बांटना और मुसलमानों को बांटना, आपका तुलना कोबरा से की। कोबरा क्या चीज़ है? कोबरा सांप होता है। कौन बोल रहे हैं? ममता बनर्जी ने आपको और हाँ ओवैसी को कोबरा का आदमी ने बोल रहे हैं, उसका नाक ढीले हो रहा है, समझ रहे हैं? दिमाग का स्क्रू आदमी ने बोल रहा है ढीला हो रहा है, गद्दी जाने वाला है, इसलिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारत वर्ष पर।